लेखा शास्त्र 12 6-2। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न 1, क्षमता एवं दायित्वों के स्पष्टीकरण में किन्हें शामिल किया जाता है? उत्तर 1, अंशधारी कोष, 2, अंश आवेदन राशि जब तक आमंत्रण न हो, 3, गैर चालू दायित्व, और 4, चालू दायित्व को क्षमता एवं दायित्वों के स्पष्टीकरण में शामिल किया जाता है। प्रश्न 2, अंशधारी कोष के उपशीर्षक कौन से हैं? उत्तर 1, अंश पूंजी, 2, संचय एवं आदि के, और 3, अंश आवंटन के बदले नगद राशि। अंशधारी कोष शीर्षक के उपशीर्षक हैं। प्रश्न 3, अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाने वाली मदें कौन कौन सी हैं? उत्तर 1, अधिकृत अंशों की संख्या एवं राशि, 2, निर्गमित पार्थित और पूर्णतया चूकता और पार्थित परंतु पूर्णतया चूकता नहीं अंशों की संख्या, 3, प्रति अंश का सममूल्य, 4, प्रतिवेदित अवधि के आरंभ व अंत में ऐदत अंशों की संख्या का मिलान, 5, कंपनी के 15% से अधिक अंश धारण करने वाले अंशधारी द्वारा धारित अंशों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए, 6, स्थिति विवरण तैयार करने के तुरंत पूर्व 5 वर्षों की अवधि में क्रय विक्रय किए गए अंशों की संख्या एवं प्रकार, 7, ऐदत याचनाएं संचालकों अधिकारियों द्वारा न चुकाई गई राशि, 8, हरण किए अंशों पर प्राप्त राशि आदि। प्रश्न 4, संचय एवं आधिक्य क्या है? इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर 1, पूंजी संचय, 2, पूंजी शोधन संचय, 3, प्रतिभूति प्रीमियम संचय, 4, ऋण पत्र शोधन संचय, 5, पुनर्मूल्यांकन संचय, 6, अंश विकल्प आदत खाता, 7, अन्य संचय, संचय की प्रकृति उद्देश्य एवं राशि को स्पष्ट करते हुए, 8, आदि के अर्थात लाभांश बोनस अंश एवं संचयों में हस्तांतरण के पश्चात लाभ हानि विवरण का शेष आदि। प्रश्न 5, कोष क्या है? उत्तर ऐसा संचय विनियोग कर दिया गया हो कोष कहलाता है। प्रश्न 6, लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? उत्तर आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत ऋणात्मक रूप में दिखाया जाएगा अर्थात घटाया जाएगा। प्रश्न 7, अंश विकल्प ऐदत खाता क्या है? उत्तर ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति की ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत वे भविष्य में निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित मूल्य पर निश्चित मात्रा में अंश खरीद सकते हैं। प्रश्न 8, क्या प्रारंभिक व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है? उत्तर नहीं, भारतीय लेखा मानक AS 26 के अनुसार प्रारंभिक व्ययों को चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। प्रश्न 9, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा तथा हानि को किस प्रकार अपलिखित किया जाएगा? उत्तर हाँ, लाभ हानि विवरण में अपलिखित किया जाएगा। प्रश्न 10, अंशों के निर्गमन व्यय तथा अभिगोपन कमीशन को कितने समय में और कहाँ अपलिखित किया जाता है? उत्तर 3 से 4 वर्षों में पूंजीगत लाभों में से अथवा लाभ हानि विवरण में से अपलिखित किया जाता है। प्रश्न 11, अंश वारंट क्या है? उत्तर अंश वारंट एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया एक ऐसा प्रलेख है जो इसके धारक को बाद की किसी तिथि पर एक निश्चित संख्या में क्षमता अंश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। प्रश्न 12, अंश वारंट के बदले प्राप्त राशि को किस रूप में दिखाया जा सकता है? उत्तर अंश वारंट से प्राप्त राशि को अंश पूंजी के रूप में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि अभी अंशों का आवंटन होना बाकी है।
अतः इसे पृथक रूप में दर्शाते हुए अंशधारी कोष में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 13, अंश आवेदन राशि जब तक आमंत्रण न हो को किस शीर्षक के अंतर दर्शाया जाता है? उत्तर, यदि किसी कंपनी द्वारा अंशों का आवेदन राशि तो प्राप्त कर ली गई हो परंतु चिट्ठा बनाने की तिथि तक अंशों का आवंटन नहीं किया गया है तो इस राशि को अंशधारी कोष शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 14, गैर चालू दायित्व क्या है? उत्तर, गैर चालू दायित्व वह दायित्व है जो चालू दायित्व नहीं है। प्रश्न 15, गैर चालू दायित्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? उत्तर, 1, दीर्घकालीन ऋण, 2, स्थगित कर दायित्व, 3, अन्य दीर्घकालीन ऋण और 4, दीर्घकालीन आयोजन को गैर चालू दायित्व में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 16, दीर्घकालीन ऋण क्या है? उत्तर, कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे ऋण जो लेने की तिथि से 12 माह पश्चात देय हों उन्हें दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। प्रश्न 17, दीर्घकालीन ऋणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, 1, बांड अथवा ऋण पत्र, 2, अवधि ऋण, 1, बैंक से और 2, अन्य पक्षकारों से, 3, स्थगित भुगतान दायित्व, 4, जमाएं जो 12 माह पश्चात देय है को वर्गीकरण दीर्घकालीन ऋणों में किया जाता है। प्रश्न 18, दीर्घकालीन ऋणों को किन उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, दीर्घकालीन ऋणों को सुरक्षित एवं असुरक्षित उपवर्गों में भी वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 19, अन्य गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत किन्हें दिखाया जाता है? उत्तर, दीर्घकालीन ऋणों का कुछ भाग स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के भीतर देय हो तो उस भाग को अन्य गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंदर दिखाया जाता है। प्रश्न 20, स्थगित कर क्या है? उत्तर, लेखांकन आय पर कर और कर योग्य आय पर कर के अंतर को स्थगित कर कहा जाता है। प्रश्न 21, कर योग्य आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उत्तर, प्रचलित कर कानूनों के आधार पर कर योग्य आय की गणना की जाती है। प्रश्न 22, लेखांकन आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उत्तर, संस्था में प्रचलित लेखांकन प्रणालियों के आधार पर लेखांकन आय को निर्धारित किया जाता है। प्रश्न 23, लेखांकन आय किस माध्यम से प्रदर्शित की जाती है? उत्तर, संस्था के लाभ हानि निवारण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न 24, वर्तमान कर आयोजन की गणना किस आधार पर की जाती है? उत्तर, कर योग्य आय के आधार पर वर्तमान में कर आयोजन की गणना की जाती है परंतु इसकी गणना लेखांकन आय के आधार पर भी की जा सकती है। प्रश्न 25, स्थगित कर दायित्व कब उत्पन्न होता है? उत्तर, लेखांकन आय कर योग्य से अधिक होने पर स्थगित कर दायित्व उत्पन्न होता है। प्रश्न 26, अन्य दीर्घकालीन ऋण कौन से हैं? उत्तर, ए, व्यापारिक देयताएं आदि ये 12 माह के पश्चात देय हैं तो और अन्य हैं। प्रश्न 27, दीर्घकालीन आयोजन क्या हैं? उत्तर, वे सभी आयोजन जिनके विरुद्ध दावे स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह पश्चात चुकाए जाने की संभावना है उन्हें दीर्घकालीन आयोजन कहते हैं। प्रश्न 28, दीर्घकालीन आयोजनों का किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं? उत्तर, 1, कर्मचारी हितों के लिए आयोजन और 2, अन्य वारंटी के लिए आयोजन में वर्गीकरण करते हैं। प्रश्न 29, चालू दायित्व क्या है? उत्तर, वे दायित्व जिनका भुगतान स्थिति विवरण तैयार करने की तिथि से 12 माह के अंदर किए जाने की संभावना है उन्हें चालू दायित्व कहते हैं। प्रश्न 30, चालू दायित्व को किस प्रकार वर्गीकृत कर दर्शाया जाता है? उत्तर, 1, अल्पकालीन ऋण, 2, व्यापारिक देयताएं, 3, अन्य चालू दायित्व और 4, अल्पकालीन आयोजन शीर्षक से वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 31, अल्पकालीन ऋण कौन से होते हैं? उत्तर, 1, मांग पर देय ऋण, ए, बैंकों से, ब, अन्य पक्षकारों से, 2, जमाएं और 3, अन्य ऋण एवं अग्रिम हैं। प्रश्न 32,
व्यापारिक देवताएं क्या हैं? उत्तर, जो बारह माह है, जो बारह माह है या इससे कम अवधि में देय हैं, व्यापारिक देवताएं कहलाती हैं। प्रश्न 33, अन्य चालू दायित्व किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्तर, एक दीर्घकालीन ऋण जो वर्तमान में देय है, ऋण पत्रों या बैंक ऋण की ये राशि जो स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के अंदर देय है। दो, ऋणों पर ऐदत ब्याज किंतु देय नहीं है। तीन, ऋणों पर ऐदत एवं देय ब्याज। चार, अग्रिम प्राप्त आय। पाँच, न चुकाया गया लाभांश। छः, प्रतिभूतियों के आवेदन के लिए प्राप्त आदि के आवेदन राशि जो वापस करनी है और इस पर देय ब्याज। सात, जमा राशियों जो भुगतान के लिए देय हो गई हो परंतु चुकाई नहीं गई है और उन पर देय ब्याज। आठ, ऋण पत्र जो भुगतान के लिए देय हो गए हैं परंतु चुकाए नहीं गए हैं और इन पर देय ब्याज। नौ, अन्य देय राशियाँ जैसे बकाया व्यय, अग्रिम मांग एवं उन पर ब्याज, न मांगा गया लाभांश, प्रोविडेंट फंड आदि। प्रश्न 34, अल्पकालीन आयोजन क्या है? उत्तर, ऐसे आयोजन जिनके विरुद्ध दावे स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के भीतर उत्पन्न होने की संभावना है, उन्हें अल्पकालीन आयोजन के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 35, अल्पकालीन आयोजन किस प्रकार वर्गीकृत किए जाएंगे? उत्तर, एक, कर्मचारी कल्याण आयोजन। दो, अन्य। तीन, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन आदि के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। धन्यवाद।